परेशान हो गया, आज ही सैंडल से, आज ही सैंडल का काम तो करना ही पड़ेगा। क्या दिखाऊंगा अरे भाई, मैं आज मैं रिव्यू देने वाला हूँ इसका हैंडल बार जो मॉडिफाइड है थोड़ा कैफिर है। कितना टाइम हो गया तुझे क्या करते हुए? अरे साले अबे साले हैंडल बार को तेरे इसको हो गया है। लॉन्ग टर्म रिव्यू लिख दे, लॉन्ग टर्म रिव्यू। चल ठीक है भाई, ये एक्सपर्ट आए, यूट्यूब एक्सपर्ट आ रखे हैं हमारे साथ। देख रहे हो तुम भाई साहब। तो आज की वीडियो में हम लॉन्ग टर्म रिव्यू देंगे अब, ठीक है, ये सैंडल बार का। तो भाई मैं बताता हूँ इसको चेंज कराने का मेरा क्या रीज़न था, कि मैं ऐसे कैफे रेसर जैसी बना दूंगा पूरी, तो वैसी तो बनी नहीं, पर काफ़ी हद तक अग्रेसिव हो गई है ये, ठीक है क्योंकि ये है थोड़ा निरा हैंडल बार है जो इसका ये डाउन है, ठीक है, ये उससे डाउन है। मैं दोनों फोटो डाल दूंगा इसकी कि ये कितना डाउन रखा है खुद बैठ के ना, एक अपने डाल दूंगा एक किसी और, क्योंकि मेरे पास वो फोटो नहीं है जब मेरे पास वो वाला हैंडल बार था इसका स्टॉक वाला, ये पकड़ा हुआ इसमें। मेरा तो यही रीज़न था कि मैं इसको थोड़ा एक्सपेरिमेंट करूं, कैसे रेसर जैसी बना के देखूं, थोड़ी अग्रेसिव करूं। इसका फ़ायदा भी हुआ है मेरे को एक, कि इसकी ना हैंडलिंग काफ़ी अच्छी हो गई है। अब वो अपने अपने ऊपर है यार, कई राइडर होते हैं जिनको स्टॉक वाले में ही अच्छी लग रही होगी हैंडलिंग इसकी, पर मेरे को इसमें ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो स्ट्रीट फाइटर है ही उस चीज़ के लिए कि आप उसमें काट दो इसको, ट्रैफिक फिल्टर कर दो, पर मैंने वैसे, मेरे को पता है वो मेरी पर्सनल चॉइस है यार, कि मेरे को नहीं पसंद आया वो हैंडल बार, मैंने ये रखा हुआ है। अब कई बंदे बोलेंगे भाई R15 ले लेता, तो यार मुझे इसकी लुक ज़्यादा अच्छी लगी थी R15, क्योंकि जब मैं खरीदने गया था तब V4 नहीं थी, तब V3 थी। देखो वो अच्छा भी लग रहा है देखने में काफ़ी ज़्यादा। सही लुक आ रही है। तो मैं बताता हूँ इस चीज़ के, ये कराने के, हैंडल बार चेंज कराने के कुछ नुकसान भी हुए हैं यार। कटिंग ख़त्म हो गई है, ठीक है, और ये देख लो यहाँ पे टच हो रखा है, ये हैंडल ना पूरा टच हो जाता है तो ये मुड़ती नहीं है सही से, तो इसने ये कवर भी फाड़ दिया यहाँ से, और इस साइड से भी ये यहाँ से भी फाड़ दिया। बाकी भाई अगर आप मेरे से पूछो कि मैं रिकमेंड करता हूँ या नहीं, तो मैं नहीं करता। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, क्योंकि ये बाइक है स्ट्रीट फाइटर जिसमें ट्रैफिक फिल्टर होता है और इसे कंफर्ट को देख के ही बंदा लेता है। तो ये मैंने बस अपने शौक के लिए करी है, मैं तो किसी को नहीं बोलूँगा करो, क्योंकि आपको पीठ में पेन हो जाएगा, हैंडलिंग शायद सही हो जाए और लुक भी इन्हेंस हो जाएगी बाइक की, प्लस आप भी अच्छे लगोगे इस पर कैफे रेसर लुक में, ठीक है, पर कम्फर्ट ख़त्म हो जाएगा भाई, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो एक चीज़ अगर किसी ने कराना भी हो भाई, तो ना अपनी ये चीज़ ना ऊपर करवा लेना, मतलब ये है ना जो ये पहले नीचे कर दी थी उसने, तो यूं करो तो बहुत ज़्यादा टच हो रही थी, मतलब ये टूँ ऐसे बज रहे थे इंडिकेटर है और थोड़ी है, मतलब ये और ये खुद ही ऑन हो जा रहा था इंडिकेटर, तो इसको थोड़ा ऊपर करवा लेना। और ध्यान रखना आपकी ये जो पाइपें हैं ना, ये ज़्यादा मोड़ ना दे वो बंदा जो भी करेगा, तो इनका ध्यान रखना भाई, क्योंकि फिर ब्रेकिंग में इफेक्ट डालती हैं फिर। भाई क्या हो गया, क्या कर रहा है? जी एक्टिंग की बादशाह हो कसम भाई, यार वॉश कराने लायक हो गई थी, तो चलते हैं वॉश कराने। चलो देखते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे टू नॉट टू डू व्लॉगिंग, बहुत हवा लग रही है भाई, आई थिंक मुझे ऊपर करना पड़ेगा, अब शायद सही आ रहा हूँ भाई, इतना भारी हो गया ना कैमरा, सॉरी कैमरा कह रहा हूँ, कैमरा तो है ही नहीं, इतना भारी हो गया ना ये माउंट यार, माउंट भी नहीं, इतना भारी हो गया ना ये हेलमेट, क्या बोल रहा हूँ यार मैं, पहले टाइम की नर्वसनेस और एक्साइटमेंट, पहले टाइम की एक्साइटमेंट, मतलब पहली बार मोटो व्लॉग करने की, पहली बार नहीं यार, पहली बार तो नहीं कर रहा, पर माइक के साथ पहली बार कर रहा हूँ, मतलब माइक के साथ मोटो व्लॉगिंग पहली बार कर रहा हूँ, माइक के साथ पहली बार कर रहा हूँ, डबल मीनिंग वाले लोग हैं भाई सारे यहाँ पर। यहाँ पहले दरवाजे घोड़े होते थे, अब नदी सूख गई तो वो भी क्या करेंगे, तो चले गए। तो भाई आ गए हैं, वॉश करा लेते हैं इसको, मिलता हूँ यार वॉश कराने के बाद, यही वॉशिंग क्या दिखाऊंगा। अरे भाई मुझे लगा गिर गई।